नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। कानपुर से संवाददाता अब्दुल निसार की खास रिपोर्ट। आज प्रदेश की प्राविधिक शिक्षा मंत्री कमल रानी वरुण की मौत पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख व्यक्त किया। आज कमल रानी वरुण का पार्थिव शरीर पहुंचेगा 3 बजे कानपुर। लखनऊ में मौजूद परिजनों से फोन पर मिली जानकारी, कोविड प्रोटोकॉल के चलते शव सीधे ले जाया जाएगा भैरव घाट। आइए सुने क्या कहा योगी आदित्यनाथ जी ने। हमारे मंत्रिमंडल में प्राविधिक शिक्षा के मंत्री श्रीमती कमला रानी वरुण नहीं रही। विगत कई दिनों से प्रदेश के प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान SGPGI में उनका उपचार चल रहा था। वो कोरोना पॉजिटिव थी। आज सुबह उनका दुखद निधन हुआ है। मैं श्रीमती कमल रानी वरुण जी के दुखद निधन पर उनके प्रति कोटि श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। शोक संतप्त परिवारों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूँ। श्रीमती कमल रानी वरुण एक लोकप्रिय जननेता और वरिष्ठ समाजसेवी थी। 11वीं और 12वीं लोकसभा की वह सदस्य थी। 2017 में घाटमपुर कानपुर से भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य चुनी गई थी और विगत वर्ष ही मंत्रिमंडल के विस्तार में उन्हें प्राविधिक शिक्षा का दायित्व दिया गया था। बड़ी कुशलतापूर्वक उन्होंने मंत्रिमंडल में अपना कार्य किया। उनका दिवंगत होना समाज का भी, सरकार का भी और पार्टी की भी पुण्य क्षति है। मैं दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह दिवंगत आत्मा को अपने से चरणों में स्थान दें और शोक संतप्त परिजनों को इस अपार शोक को सहन करने की सामर्थ्य भी प्रदान। YouTube पर अभी हमारे चैनल BPA न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप कोई भी खबरों को मिस न करें व हमारे वीडियोस को लाइक करें।